लड्डू सिंह जी आपका कुरियर। ओहो, 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 मेरे लिए गिफ्ट। लगता है किसी ने डीवीडी प्लेयर भेजा है। इजेक्ट का बटन दबाता हूँ। अरे मेरा नाम है मिस्टर परफेक्ट। नाम तो सुना ही होगा। अरे नाम सुना है मेरा राम, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। दरअसल मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कंप्यूटर तो सिर्फ चलता है, मेरा दिमाग भागता है। मैं जब भी चोरियां करता हूँ पता कर करता हूँ। वैसे आज रात को मैं वेदास बैंक को लूटने जा रहा हूँ। आप मुझे रोक सको तो रोक लो। सोचिए सोचिए कि आप मुझे कैसे रोकेंगे। अपने दिमाग को चलाइए कि मैं कैसे कब चोरी कर सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाओ पेड़ाराम, ये मिस्टर परफेक्ट बहुत ही डेंजरस आदमी है। इसको हम दोनों अकेले नहीं संभाल सकते। इसको पकड़ने के लिए तो हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें टॉप मोस्ट सिक्योरिटी कंसल्टेंट को बुलाना पड़ेगा। तुम कॉन्फ्रेंस हॉल में सीक्रेट मीटिंग की तैयारी करो। जाओ जाओ। ओके सर। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। वो लोग आते ही होंगे। सर, ये है हमारी हाई लेवल सिक्योरिटी कमेटी। मेरा राम, हमारी मदद करने और कौन आएगा? हर बार शिवा और उसके दोस्त ही मदद करते हैं, तो हमारे कर्ता धर्ता यही हुए ना। हाय लड्डू सिंह जी, ये वेदास बैंक का मॉडल है। मिस्टर परफेक्ट या तो आसमान से आ सकता है बाय पैराशूट, या फिर जमीन के नीचे से, या बाय रोड जमीन के ऊपर से। हाँ हाँ शिवा, मैंने अपनी डायरी में ऐसा ही नोट किया है। बैंक के नीचे कोई ड्रेनेज पाइप नहीं है, इसीलिए वो आसमान से या जमीन के ऊपर से आएगा। इसीलिए इन छतों पे कमांडोज लगवा दीजिए। इसके अलावा एक पासवर्ड बनाइए। हर आने जाने वाले को सीक्रेटली वो पासवर्ड बताना होगा। क्या बात कही है शिवा, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। अपनी डायरी में मैंने ऐसा लिखा हुआ भी है। ठीक है लड्डू सिंह जी, आज रात को हम लोग बैंक के सामने वाली बिल्डिंग से सब ऑब्जर्व करेंगे। आप सारी तैयारियां करवा लीजिए। आपकी डायरी के पन्ने तो खाली हैं। आप तो बोल रहे थे कि बहुत कुछ लिखा है। बेड़ा राम, चुप रहो, कोई सुन लेगा। ये पुलिस की इज्जत का सवाल है, समझे? चुप। क्या सर, आप नहीं बदल सकते। गाइस, आज की चोरी के साथ हमारी सेंचुरी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज की ये हमारी 100वीं चोरी होगी। सो लेट्स सेलिब्रेट अवर सेंचुरी विद अ बैंक। बैंक का एक एक पैसा हमें निकाल कर ले जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और उसके बाद We will have a big party, right? Yes. मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कंप्यूटर तो सिर्फ चलता है, मेरा दिमाग तो भागता है। अब देखना यह कि वो लोग कैसे रोकेंगे मुझे। लड्डू सिंह जी, आपने सच में बहुत टाइट सिक्योरिटी करवाई है। लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। लड्डू सिंह जी, जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फोन करके किसी को बुलाइए। हेलो पावर हाउस। हाँ बोलिए सर। मैं इंस्पेक्टर लड्डू सिंह बोल रहा हूँ। वेदास सिटी बैंक और उसके आसपास के एरिया में लाइट चली गई है। जल्दी किसी को भेजकर ठीक करवाओ, समझे? ओके सर।
मैं अभी किसी को भेजता हूँ। पासवर्ड बताइए। बिना पासवर्ड के तुम्हें यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। पासवर्ड सुन लो। जी सर, बोलिए। यहाँ आकर तुम्हें बोलना है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और हम बोलेंगे हम। समझ गया सर, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। थैंक यू वेरी मच। नंबर थ्री, तुम यही रुको, जब मैं फोन करूं तो स्विच को दबाकर लाइट ऑन कर दे। सर, हम लोग पावर हाउस से आए हैं बैंक की बिजली ठीक करने। हमारा नाम लड्डू सिंह ऐसे ही फेमस नहीं हुआ। किसी की कोई होशियारी नहीं चलने दूंगा। पहले पासवर्ड बोलो। बोलो पासवर्ड। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। हम बांधेंगे। आने दो इनको, आने दो। पावर हाउस के इलेक्ट्रिशियंस ने अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर लिया? हो सकता है उनके अलावा कोई और ना चला जाए इसलिए। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट प्लान। किसी को शक नहीं होगा। जल्दी सेफ ढूंढ के खोलो, और जब सब रुपए ले लो तो बिजली वापस ऑन करवा दें और हम बाहर चले जाएंगे। बैंक का फ्यूज बॉक्स तो किसी एक जगह पर ही होगा। ये टॉर्च लाइट्स कभी इधर कभी उधर क्यों जा रही है? रीवा, तुम लोग यहीं से नजर रखो। मुझे कुछ डाउट हो रहा है, मैं देख कर आता हूँ। लड्डू सिंह जी, जो लोग बैंक में गए हैं वो पावर हाउस के इलेक्ट्रिशियंस नहीं है बल्कि रॉबर्स हैं। मैंने उनको रोशनदान से देखा है। आप जल्दी बैंक में आ जाइए। देवा, बैंक में रॉबर्स घुस चुके हैं। तुम लोग पावर हाउस जाकर देखो, जरूर वहाँ से मेन सप्लाई बंद कर दी होगी। ओके शिवा। शिवा, ये दरवाजा अंदर से बंद है। हम भी ऊपर रोशनदान से आते हैं जहाँ तुम हो। ठीक है, मैं पहले अंदर जाता हूँ। मेरे पीछे आप लोग भी रोशनदान से अंदर आ जाइए। ए, ये बच्चा कौन है? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। आज आपका प्लान फेल हो गया मिस्टर परफेक्ट। एक बच्चा मेरा प्लान फेल नहीं कर सकता। पकड़ो इसे। रा, जल्दी लाइट ऑन करो, हम बस पहुंच ही गए हैं। ए, क्या कर रही हो? शिवा, मैंने स्विच ऑन तो कर दिया है लेकिन लेजर गन के कारण उसमें कुछ खराबी आ गई है। ओके रवा, तुम वापस आ जाओ। तुम लोग एक बच्चे को नहीं पकड़ पा रहे हो। शेम ऑन यू। तुम मिस्टर परफेक्ट की टीम हो, एक ड्रीम टीम जिसका वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं कर पाया। अब पकड़ो उसे। Hey, you are under arrest. कौन है, किसने मारा, किसने मारा? कौन है, कौन मार रहा है? सामने आओ, सामने आओ।
अंधेरे का फायदा उठा के मार रहे हो? अरे हिम्मत है तो सामने आओ, आओ। बहुत तेज है, मेरी सोच से भी ज्यादा तेज। अभी यहां से निकलने में ही अकलमंदी है। Let's go. जी, बोले भाग गए। देखा शिवा, भगा दिया ना उन्हें। लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं कि चोरी मत कर, लड्डू सिंह आ जाएगा। और चोर चोरी छोड़ के शरीफ बन जाता है। सोचो, लड्डू सिंह आया नहीं और चोर ने चोरी छोड़ दी। अगर लड्डू सिंह आ जाता तो क्या होता? उस बच्चे ने मेरी सेंचुरी का सेलिब्रेशन खराब कर दिया। एक बच्चे ने मुझे 99 पर लाकर रोक दिया। मेरी सेंचुरी पूरी नहीं होने दी उसने। बॉस, कोई बात नहीं, आज आपकी सेंचुरी पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, कल परसों अगली बार किसी और जगह पूरी कर लेना। हाँ, चोरी तो अगली बार जरूर करेंगे, पर इसी बैंक में करेंगे। आज तक मेरा कोई भी प्लान कभी भी फेल नहीं हुआ है, इसीलिए तो लोग मुझे मिस्टर परफेक्ट कहते हैं। एक बच्चे की वजह से मैं अपना टाइटल गवा नहीं सकता। पहले मैं उसको सबक सिखाऊंगा और उसको बताऊंगा कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कंप्यूटर तो सिर्फ चलता है, मेरा दिमाग भागता है। जाओ, उस बच्चे को यहाँ लाओ। ओके बॉस। हेलो शिवा, मिस्टर परफेक्ट का कहीं पता नहीं चला, लगता है वो शहर छोड़ के भाग गया। देखा मेरा कमाल। आई लड्डू सिंह जी, ध्यान रखिएगा, वो लोग दोबारा आ सकते हैं। लोग साथ में रहना, ये जरूर मिस्टर परफेक्ट के ही आदमी है। शिवा, शिवा, ये लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं। कैसे हो बच्चे? You know what? मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कंप्यूटर तो सिर्फ चलता है, लेकिन मेरा दिमाग भागता है। तुमने मेरे सेंचुरी के सेलिब्रेशन का जश्न खराब कर दिया। अब मैं तुम्हारी लाइफ के सारे सेलिब्रेशन बिगाड़ दूंगा। तुम बहुत तेज हो ना, अब यहाँ से भाग कर दिखाओ। दरवाजे तो खुले हैं, पर तुम भाग नहीं पाओगे। भागोगे तो लौट कर वापस यही आना होगा, क्योंकि भागने के सारे रास्ते बंद है। ए, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हैं, हो गए कहीं के मिस्टर परफेक्ट। अभी बताता हूँ तुम्हें, रुको। अंकल, सामने तो आओ, ऐसे छुप कर क्यों बैठे हो? बात करनी है तो आमने सामने करते हैं। शिवा, वो देखो, वहाँ पर एक लीवर दिख रहा है, शायद वो बाहर जाने का रास्ता होगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलते हैं।
बच्चे तुम यहाँ तक तो आ गए हो लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। बच्चा नहीं कहना अंकल। एक मिनट, प्रैक्टिस खत्म हो जाए तो बता देना, फिर मैं तुमको पीट सकता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने सारे गैजेट्स बहुत मेहनत से बनाए हैं। अंकल, इतनी मेहनत किसी अच्छे काम में क्यों नहीं करते? बस कर, मैं सरेंडर करता हूँ। एक चोरी और कर लेने देते तो मेरा सेंचुरी का रिकॉर्ड पूरा हो जाता। अच्छा हुआ मिस्टर परफेक्ट कि तुमने खुद ही सरेंडर कर दिया, वरना लड्डू सिंह मैदाने जंग में उतर जाता तो तुम्हारा क्या होता? बोलो 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 बोलो। तुम मुझे अरेस्ट कर लो, पर मुझे एक ही बात कहनी कि इस बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।